गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। कैसे हो आप सब? और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ब्रेड तवा पिज्ज़ा रेसिपी। बनाने से पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखकर ही अंदाज़ा लगा लें कि कितने ज़्यादा यम्मी बने हैं। और अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा कि बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और सब्जियां आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया लिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ सॉस ले रही हूँ जिसमें रेड चिली सॉस है, टमेटो केचप है, ग्रीन चिली सॉस है और स्वीट टमेटो सॉस है। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं जिसमें काली मिर्च का पाउडर है, चिली फ्लेक्स हैं, चाट मसाला है, काला नमक है और मोज़रेला चीज़, साथ में ब्रेड। तो फिर चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल, मैं इसमें जो है ना सारी सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। आप जो है ना इस तरीके से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट ब्रेड के ऊपर सॉस लगाकर जो है ना सब्जियां रख सकते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरीके से जो है ना थोड़ा बहुत अलग तरीके से बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सब्जियों में मसाले डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। तो इन सबको डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है ना काला नमक ले रही हूँ। तो नमक थोड़ा ध्यान से ही डालना होता है क्योंकि चीज़ में भी जो है ना नमक होता है। तो बस मैंने अच्छे से सब्जियों को मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चम्मच घी। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है हमारी सब्ज़ियाँ जो है ना जल्दी कुक होती हैं और अच्छी लगती हैं। सब्जियों में जो है ना थोड़ा सा अलग स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने घी डालकर जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ली है मैंने ब्रेड। तो मैं यहाँ पर चार ब्रेड ले रही हूँ और ब्रेड के ऊपर मैं थोड़ा सा टमाटो केचप लगा रही हूँ यहाँ पर। तो जो टमाटो केचप है वो मेरे पास थोड़ा है, ख़त्म हो रखा है, तो बस मैं थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि जो है ना आज का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाए क्योंकि मुझे चार ब्रेड और बनानी है। तो बस इस तरीके से मैंने स्प्रेड कर लिया है, फैला दिया है। तो बस थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ क्योंकि जो है ना ब्रेड भी अच्छे से नहीं लगा था। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा फैला दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है टमेटो का, स्वीट टमेटो सॉस है तो इसको भी मैंने डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। और इसको भी जो है ना अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ ब्रेड पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ सब्जियाँ जो मैंने मिक्स करके रखी हैं। तो बस सब्जियाँ रख दी हैं और उसके बाद सब्जियों के ऊपर थोड़ा सा जो है ना मोज़रेला चीज़ डालना है। तो सब्जियों को मैंने इस तरीके से फैला दिया है थोड़ा सा और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। और ये डिश जो है ना खासकर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि बच्चों की फेवरेट है, बच्चों को पिज्ज़ा वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये एक तरीके से इंस्टेंट पिज्ज़ा आप कह सकते हैं, घर पर जो है ना कम सामान से बहुत ही जल्दी जो है ना बन जाता है। तो बस मैंने जो है ना चीज़ डाल दी है, उसके ऊपर मैं ब्लैक पेपर, चाट मसाला और थोड़ा सा इस तरीके से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद मैंने जो है ना पैन रख दिए थे गैस पे। तो मैं जो है ना चार लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने दोनों गैस पे एक एक पैन रख दिया है। और पैन में जो है ना एक चम्मच बटर, साथ में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है। और जब बटर और घी मेल्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैं ब्रेड रख रही हूँ। और ब्रेड जो है ना एक तवे पे दो ही ब्रेड आ रही हैं तो मैंने दोनों साइड पैन रख दिए थे क्योंकि मुझे इस तरीके से जो है ना अभी चार ब्रेड और बनानी है। तो ब्रेड रखने के बाद मैंने पैन को कवर कर दिया है ताकि जो है ना स्टीम से जो मोज़रेला चीज़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। और दूसरी पे मैंने थाली रख दी है, उसको भी ढक दिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ जो है ना काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, एकदम से जो है ना पिघल गई है। तो इस तरीके से बाकी की ब्रेड भी मैंने बना ली हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ब्रेड पिज्ज़ा कितने ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बने हैं, देखने में ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कट करके दिखा रही हूँ और चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेल्ट हुई है। और यहाँ पर मैं दूसरा भी कट करके दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, टेस्टी बने हैं। आप लोग भी जो है ना बनाइए, इंजॉय कीजिए और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।